नमस्कार साथकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है ध्यान शक्ति का अभूतपूर्व वह तकनीक जिसके माध्यम से कोई भी साधक अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ति कर सकता है। उसके इच्छाएं जो भी इच्छाएं हैं वो ध्यान के माध्यम से पूर्ण कर सकता है। ध्यान के माध्यम से ऐसी ऐसी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है जो जन साधारण को सुलभ नहीं है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, बहुत आसान है इस चीजों को, बस व्यक्ति को साधना में यानी ध्यान साधना में निपुण होना चाहिए। तो आइए पहले एक छोटी सी चर्चा करते हैं, कथा सुनाते हैं, उसके बाद आपको इस टेक्निक के बारे में कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि कैसी विधि है। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक बार एक राज्य में बहुत ज्यादा सूखा हो गया। इतना सूखा पड़ गया, एक साल नहीं कई साल तक, 5-6 साल तक लगातार सतत वहां पर सूखा रहा, जिसके कारण वहां का अन्न जल सब कुछ लगभग खत्म हो गया। अब वहां पर जो भी जन समाज था, जन समुदाय था, यहां तक पशु पक्षी भी सब लोग व्याकुल हो गए। पक्षी लोग नगर छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले गए जहां पर पानी की अन्न की सुलभता थी, लेकिन जो पालतू जानवर थे और इंसान कैसे अपने बसी बसाई दुनिया को छोड़ करके जाए। बहुत दिन वो ईश्वर से निवेदन करते रहे, अंत में एक दिन उनका भाग्योदय हुआ। कुछ त्रिदंडी स्वामी जो गृह त्यागी सन्यासी थे, हिमालय से घूमते घूमते उस नगर में आए। उनको देख करके गांव वालों की थोड़ा आस बधी कि शायद कुछ उपाय हो। वो लोग जाकर के उन साधुओं से विनती करने लगे कि महाराज, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारा जो राज्य है कई वर्षों से सूखा ग्रस्त है, जिसके कारण यहां पर न अन्न है न जल है, सारे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, आदमी इंसान के साथ में यहाँ के पशु भी अब मर रहे हैं। राजा जब बात सुनी कि हमारे राज्य में साधु आए, तो राजा भी जाकर के निवेदन करने लगा कि महाराज कुछ कृपा कीजिए, हमारे राज्य पर कुछ अपनी कृपा दृष्टि करो। उन सभी साधुओं के त्रिदंडी सन्यासियों के समुदाय आपस में बात करने लगा, तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग संत थे उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूं। वो जाकर के एक जो खुली हुई जगह थी वहां पर जाकर के खड़े होते हैं, अपना दोनों हाथ ऊपर करते हैं और करीब 15 से 20 मिनट तक ऐसे खड़े रहते हैं, और उनके 15-20 मिनट के बाद जो आसमान पूरा साफ था, धीरे धीरे वहां पर बादल बनने लगे। एक घंटे के अंतराल के बाद वहां पर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, कहते हैं कि पूरा क्षेत्र जो था पानी से लबालब भर गया। और कुछ दिन के बाद फसल बोई गई और बहुत सुंदर फसल हुई, राजा का पूरा राज्य सुख संपत्तिवान हो गया, सारे पशु प्राणी सब आनंदित हो गए। तो कहते हैं इस विधा को वहां पर उपस्थित कई जो संत समाज थे उस बूढ़े सन्यासी से पूछते हैं कि महाराज आपने ऐसा कौन सा टोटका किया, ऐसी कौन सी साधना की जिसके कारण से ये घटना घटित हुई, इस प्रकार से लाभ हुआ। तो जो संत उपाय बताते वो कहते हमने कुछ नहीं किया, तो हमने वहां पर अपने ध्यान को, सिर्फ अपनी ध्यान साधना का हमने उपयोग किया है। तो किस प्रकार से वो बताते हैं कि कभी भी जो ध्यान का साधक है, जो समाधि का साधक है, जो योग का साधक है, जप मार्ग का साधक है, नाम साधना का साधक है, अगर उसको कोई भी इच्छा चाहिए वो किसी एकांत स्थान पर जाकर के, खुले में जाकर के, मैंने जाकर के उस खुले स्थान पर जाकर के मैंने केवल सबसे पहले अपने माता पिता अपने पूर्वजों का ध्यान किया, उनसे अनुरोध किया, उसके बाद मैंने अपने गुरु से सिद्ध संतों से अनुरोध किया,
और फिर मैंने अपने इष्ट भगवान को से अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? कुछ मांगा नहीं, अनुरोध कर रहा हूं, सिर्फ उनको नमस्कार कर रहा हूं, उनको बार बार मैं अपने ओर आवाहन कर रहा हूं, उनको बुला रहा हूं। उन सबको बुलाया, सबको साक्षी मान लिया, सबको अपने पास बुला लिया, सारी शक्तियां, सार ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने पास मैंने बुला लिया। अब फिर मैंने उनसे कल्पना करने लगा कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर बादल छा रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश खत्म हुई, खेतों में हल चल रहे हैं, हल चलने के बाद बीज बोया गया, बहुत सुंदर फसल हुई, फसल काटी गई, लोग का आपस में विनिमय किया, लेन देन किया, बेचा गया, पूरा राज्य प्रसन्नता से युक्त हो गया, प्रसन्न हो गया है, सब लोग खुश हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं, पूरा खुशहाल मौसम हो गया, पशु पक्षी सब आनंदित हो गए। मैंने केवल इस प्रकार की कल्पना आधे घंटे तक कर दी है। यह बहुत गुप्त तकनीक है। कोई भी साधक जो ध्यान साधना में निपुण है, केवल यह उनका अभ्यास है। अगर वो साधक अपने जीवन में कोई भी प्राप्य अप्राप्य वस्तु चाहता है तो केवल इस टेक्निक को फॉलो करना है। प्रातः काल सायंकाल दोनों टाइम आपको उठना है, स्नान इत्यादि करके आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान कीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ध्यान साधना जो करते उसको करने के बाद आपकी जो इच्छा है उसके लिए एकांत में बैठ जाइए या किसी खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए। वहां पर बैठने के बाद आप सबसे पहले अपने माता पिता पूर्वजों का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है उसकी कल्पना में खो जाइए। आप उसकी पूर्ति होते हुए देखिए, जिस प्रकार से वह पूर्ण होता है उस प्रकार से उसकी पूर्ति का अनुभव कीजिए, आप उसका उपयोग कीजिए, आप उसका उपभोग कीजिए, आप उसी में अपने मन को खोए रखिए। इस प्रकार से सुबह कर लिया, फिर शाम को कर लिया, 7 दिन तक इस क्रिया को करते रहना है, अनवरत रुकना नहीं है। चाहे जहां भी हो, जिस हाल में हो, इस क्रिया को आप करना ही करना है। इस प्रकार से अगर आप इस क्रिया को दोहराते रहते हो, धीरे धीरे ये व्यवस्था जा करके आपके मन में दृढ़ हो जाती है, जिससे आपकी सारी इच्छा पूर्ण होने लगती है, जिससे साधक की सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ति के लिए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार की क्रिया को एक साधक अपने जीवन में उतार सकता है, अनुभव में ला सकता है, जिससे उसकी मन मुराद पूरी हो तथा उसके जीवन में किसी प्रकार का क्लेश ना हो। यह बहुत गुप्त विद्या है जो पूर्व काल में खास करके योगी तांत्रिक साधुओं के द्वारा प्रचलित थी, जिससे वो लोग आकर्षण के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाते थे। हमें विश्वास है ये दिव्य चर्चा आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी हुई भी। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो भी अवगत कराइएगा। और पुनः एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।